तो ये मॉडलिंग वाला शौक कैसे, देख देख के शौक हुआ या हाँ, क्या पिक्चर्स अच्छी लगती हैं क्या? पता नहीं, मुझे वो रैंप वॉक जो थी ना वो बहुत फैसिनेट करती थी। अच्छा। ऐसा लगता था कि हाँ मुझे भी करती करना थी या अभी भी है? अब नहीं, अब नहीं करती। क्यों? वजह? अब कर लिया इसलिए क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया। रैंप पे नहीं चल पाती आप? पैर पे चल पाती? कोई ऐसा गेस्ट है जो कह रहा है मुझसे हो नहीं पाया? वेरी गुड। कोशिश की थी आपने चलने की? कोशिश ही नहीं की। हाँ मुश्किल होता है, काफी लोग कहते हैं रैंप तो चलना था। पता नहीं, मैंने अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाया था तो उन्होंने कहा नहीं आप मॉडलिंग नहीं कर सकती आप। अच्छा, मॉडलिंग से ही मना कर दिया उन्होंने? हाँ। क्या उन्होंने एक्सक्यूज दी? क्या वो 6 फुट की लंबी नहीं है? मरीज नहीं लग रही? मरीज नहीं लग रही। मरीज नहीं लग रही? फिर तो आपने सही किया, फिर तो नहीं की तो सही किया। हाँ, ये हमारे हर चीज का एक वो बना देते हैं ना कि बस यही हो सकता है। हाँ, इसके अलावा जैसे दुनिया भर में अब मॉडलिंग का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, वो उस मरीज वाले चैप्टर से दुनिया बाहर आगे निकल आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने कहा मॉडलिंग नहीं कर सकती, अब मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा। हाँ, मैंने कहा मॉडलिंग तो कर नहीं सकती, अब क्या करूं। अच्छा, तो ये आपने इतने प्यार से नहीं कहा होगा कि मॉडलिंग नहीं कर सकती, अब क्या करूं। मॉडलिंग नहीं मिल रही, कोई ऐसा ड्रामा हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, वेट लूज किया, ठीक है, डाइट वाइट की और साथ ही मैं एक्टिंग की तरफ चली गई, जाके ऑडिशंस वगैरह दिए। कैसे, कहाँ, कैसे पता चला यहाँ ऑडिशन हो रहे? मैं फेसबुक पे सर्च करती थी हम मिलेगा कौन कौन से ड्रामे का, कौन कौन सा डायरेक्टर है, कौन कौन सी प्रोडक्शन हाउसेज हैं। स्टॉकिंग कर रही हैं आप? हाँ, ठीक है, रिसर्च कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में स्टॉकिंग कहते हैं इसको। खैर, हाँ ठीक है। तो मैंने हर प्रोडक्शन हाउस में जाके ऐसे ऑडिशन दिया, ठीक है, कि मुझे ऑडिशन देना है, तो वो जाके मैंने हर प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दिया और बस फिर इसी तरह ही शुरू। कहाँ से कॉल आ गया जो आपने कहा? हाँ, पहली कॉल कहाँ से आई? देखा, किसने कॉल किया आपको? एमडी। एमडी ने कॉल किया? माइकल जॉर्डन ने? एमडी ओएमजे हैं, सॉरी, एमडी ने आपको कॉल किया। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि जी हमने आपको कास्ट करना है? हाँ, बट उनके साथ मैंने ज्यादा काम नहीं किया। तो आपने फौरन हाँ कर दी? आपने कहा नहीं मैं देखूंगी क्या है, कैसे है, क्यों है? मैंने जाके ऑडिशन दिया, ठीक है, जो कि मैंने बहुत बुरा दिया, बहुत गंदा दिया। अच्छा, हर कोई यही करता है पहला ऑडिशन बुरा ही देता है। हाँ, ठीक है। तो और मुझे कहीं से कॉल आई नहीं थी, 2 महीने बाद मुझे एमडी से भी कॉल आई थी, वो भी बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। तो मैंने कहा ओके, ये करते हैं एक बार, एंटर तो हो जाए इंडस्ट्री में तो फिर हम देखेंगे। तो बस वो मैंने किया और फिर आप घुस ही गई। हाँ, आपकी मेरी कहानी सेम इसलिए क्योंकि मुझे भी पहली कॉल एमडी से आई थी। अच्छा, तो मैंने उठाया, उन्होंने कहा जी कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा आदि बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओ सॉरी रॉन्ग नंबर। इसने भी उनके साथ ज्यादा काम नहीं किया। इसका भी बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। नहीं नहीं, मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपने अच्छा। अच्छा, जब आपको पहला जो भी पहला काम ऑफर हुआ, छोटा कैरेक्टर बड़ा, जो भी आपने बताया, क्या उसमें ये वाली लाइन थी कि देखिए आपका पहला है तो बजट तो इसमें कम है या नहीं है? हाँ, अभी तक आ रहे? नहीं, अभी तक नहीं आ रहे, मजाक खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, आप अगर ऐसा फोन आता है तो कितने अरसे में रियलाइज किया आपने कि भाई ये तो बिला वजह ऐसी? 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल लग गया आपको ये फिगर आउट करने में कि जी ये बजट बजट ऐसी कोई? हाँ, अब 1.5 साल से जब मुझसे कोई ऐसी बात करता है तो मैं कहती हूँ ओके थैंक यू, अब हम बाद में बात जब ज्यादा बजट होगा तब काम करेंगे, जब आपका बजट होगा।